नमस्ते, कैम छो एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस दिस टू पेयर्स ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। फर्स्ट वन इज बिलीफ वर्सेस बिलीव एंड द सेकंड वन इज हियर वर्सेस लिसन। तो देखिए, अभी तक तो हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज में डेली वन पेयर ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस करते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए हम दो पेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये दोनों के दोनों जो पेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जब तक आपको इनकी प्रॉपर मीनिंग्स नहीं पता है तब तक आप इसमें डेफिनेटली गलती कर सकते हो। तो चलिए, अब से गलती नहीं होनी चाहिए, देख लेते हैं कि इन सभी के मीनिंग्स क्या होते हैं और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं बिलीव एंड बिलीफ को। तो देखिए, जो बिलीफ है इसका मतलब होता है विश्वास, और बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो देखिए, विश्वास करना मतलब कि विश्वास करने की क्रिया दर्शाई गई है, और मैंने आपको बहुत बार आगे भी बताया है कि जब कभी भी हम किसी क्रिया को दर्शाते हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं, राइट। तो किसी भी क्रिया को दर्शाने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं, इसीलिए जो बिलीव है ये हमारा वर्ब है, क्योंकि ये हमें विश्वास करने की क्रिया दिखाता है। लेकिन अगर बात करें बिलीव की, तो ये इसी का नाउन फॉर्म है, राइट। तो ये होगा सिंपली विश्वास। तो यहाँ पर विश्वास करने की क्रिया नहीं दर्शाई जाएगी, बल्कि सिर्फ विश्वास वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जो कि होता है हमारा नाउन। तो चलिए जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने बिलीफ और बिलीव दोनों के एग्जांपल्स साथ में रख दिए हैं, ताकि तुरंत आप इनको कंपेयर करके समझ पाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इनको यूज़ किया गया है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ गॉड। वो ईश्वर की शक्तियों में विश्वास करता है। तो देखिए, विश्वास करता है मतलब विश्वास करने की क्रिया दर्शाई गई है। तो जब कभी भी क्रिया दर्शाते हैं तब वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बिलीव है ये हमारा वर्ब है, इसलिए यहाँ पर बिलीव का यूज़ हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर बिलीव्स क्यों यूज़ हुआ है, पीछे एस क्यों लगा है। तो देखिए, मैंने आपको आगे भी बहुत बार बताया है कि जो कोई भी वर्ब होता है सेंटेंस में, वो हमेशा ही सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर बिलीव्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ बिलीव। तो देखिए, यहाँ पर बिलीव है इन गॉड हेल्प्ड हिम कोप विद द पेन। उसका जो ईश्वर के ऊपर भरोसा है, उसने इस दर्द के सामने लड़ने में उसकी मदद की है। देखिए, यहाँ पर भरोसा करने की बात नहीं है, हमने क्या बोला, सिर्फ उसका जो ईश्वर के ऊपर भरोसा है, ठीक है, भरोसा करता है, क्रिया नहीं दर्शाई गई है, सिर्फ हमने बोला भरोसा है। तो यहाँ पर सिर्फ भरोसा वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर बिलीफ का यूज़ किया है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ पॉपुलर बिलीफ दैट ऑल हर फर्नीचर आर एंटिक्स। ये एक लोकप्रिय मान्यता है या लोगों का भरोसा है कि उसका सारा फर्नीचर एंटिक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, लोगों की मान्यता है या लोगों का भरोसा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता कि दे बिलीव, ठीक है, तो दे बिलीव मतलब वो भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ पॉपुलर बिलीफ, ये जो है लोकप्रिय मान्यता है या लोगों का भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पर भरोसा करने की क्रिया नहीं दर्शाई गई है, सिर्फ भरोसा वर्ड का यूज़ हुआ है, इसीलिए बिलीफ का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट हीज वाइफ ऑफ वॉज चीटिंग बट ही नेवर बिलीव्ड मी। मैंने उसको बोला कि तुम्हारी वाइफ चीटिंग कर रही है, लेकिन उसने कभी मेरी बात का भरोसा नहीं किया। तो देखिए, यहाँ पर बिलीव्ड, भरोसा नहीं किया, ठीक है, किया मतलब कि क्रिया दर्शाई गई है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव होता तो उसने मेरा भरोसा किया, भरोसा किया, विश्वास किया मतलब क्रिया दर्शाई गई है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, सेंटेंस को ये देखिए कि क्या यहाँ पर कोई क्रिया दर्शाई गई है। अगर विश्वास करने की क्रिया होगी तब बिलीव होगा, अगर क्रिया नहीं होगी तब बिलीव होगा, ठीक है। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखिए, बिलीव, बिलीव में पीछे आता है वीई, वीई मतलब कि वर्ब मतलब कि क्रिया दर्शाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बिलीव का मतलब होता है वर्ब, जो कि क्रिया दर्शाता है, ओके। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हियर और लिसन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनका यूज़ किया जाएगा। सो देखिए, अगर बात करें हियर तो इसका मतलब होता है सुनना, लेकिन अगर बात करें लिसन की तो इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। यानी जब किसी साउंड को आप नॉर्मल वे में सुनते हो तो उसके लिए हियर का यूज़ होगा, लेकिन किसी साउंड को सुनते समय आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ध्यान लगा कर सुन रहे हो तो उसके लिए हम लिसन का यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल एग्जांपल बताऊं तो मैं अगर आपको पूछ रही हूँ कि कैन यू हियर मी, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो,
लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और उस वक्त मैं आपको बोल रही हूँ कि लिसन टू मी, मतलब कि आप सब मुझे सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट ध्यान में ये लेना है कि जब कभी भी लिसन का यूज़ करता है तो उसके बाद में लिसन टू मी, ठीक है, यानी मैंने क्या लगाया, पीछे टू लगाया, लेकिन हियर टू मी ये नहीं होगा, ठीक है। तो हियर के पीछे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिसन के पीछे हम टू का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रही, तो यहाँ पर नॉर्मल सुनने की बात है तो हमने हियर का यूज़ किया है, सो इट्स करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माय मदर लाइक्स टू लिसन टू द रेडियो, मेरी माँ को रेडियो सुनना बहुत पसंद है। देखिए वो जब रेडियो सुनेगी तो वो कैसे सुनेगी, कॉन्शियसली सुनेगी या जानबूझकर सुनेगी, ठीक है। तो जब किसी को हम जानबूझकर सुनते हैं या कॉन्शियसली सुनते हैं, एफर्ट लगाकर सुनते हैं, तो उसके लिए लिसन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उनको रेडियो सुनना पसंद है तो उसको वो ध्यान लगाकर सुनेगी, इसलिए यहाँ पर लिसन टू का यूज़ हुआ है, राइट। तो लिसन के बाद टू लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रनर कैन नॉट हियर द डॉग बार्किंग बिकॉज ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है, द रनर कैन नॉट हियर द डॉग, वो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा क्योंकि वो म्यूज़िक सुन रहा है। अब देखिए जो म्यूज़िक सुन रहा है वो कॉन्शियसली सुन रहा है, जानबूझकर सुन रहा है, एफर्ट डालकर सुन रहा है, ठीक है, इसलिए उसके लिए हमने लिसन टू का यूज़ किया। लेकिन जो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है वो एक बैकग्राउंड नॉइज़ है, ठीक है, तो उसको वो जानबूझकर नहीं सुनेगा, वो एक एक्स्ट्रा नॉइज़ है जिसके पीछे वो स्पेशल ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसके लिए हमने हियर का यूज़ किया। अगर यहाँ पर आपने लिसन का यूज़ कर लिया तो समझो कि वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, राइट। तो एग्ज़ाम में आपको सेम इसी तरीके के सेंटेंसेस पूछ सकते हैं जिसमें देखिए यहाँ पर हियर है और यहाँ पर लिसनिंग है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर आपको ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं, या तो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन में भी यहाँ पर हियर की जगह पर लिसन हो सकता है। तो आपको तुरंत समझना है कि ये जो डॉग, कुत्ते की जो भौंकने की आवाज़ है वो ये एक बैकग्राउंड न्यूज़ है, नॉइस है, तो उसको वो जो है जानबूझकर नहीं सुन रहा होगा, तो यहाँ पर हियर होना चाहिए था, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, यू कैन हियर समवन टॉकिंग बट यू नीड टू लिसन टू देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग टू यू। आप किसी के बोलने की या बातें करने की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर आपको समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सुनाई तो दे पड़ रही है मुझे, कुछ आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ आवाज़ों को सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे उसे ध्यान से सुनना होगा अगर मुझे जानना है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनने की बात है इसलिए लिसन टू है, और यहाँ पर सिंपली सुनने की बात है इसलिए हियर है, राइट। सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी किसी भी नॉइस को या वॉइस को हम एफर्टली सुनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसके पीछे कोशिश करते हैं, तब लिसन का यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये दोनों के दोनों पेयर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए अभी तक मैंने आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ में 30 वीडियोस दे दिए हैं। सो अगर आपने आगे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ के सारे वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसके लिंक आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके ध्यान में ऐसी कोई और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की पैर है जिसमें आप कन्फ्यूज हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ को अगर आपको मिस नहीं करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।